हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से शिमला लौट चुके हैं और दिल्ली में उन्होंने कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के बाद अब अगले कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की है। हिमाचल में 3 मंत्रियों के पद खाली हैं, 2 मंत्री फिलहाल अगले विस्तार में भरे जाएंगे और चर्चा करेंगे आपसे कि अगले विस्तार में कौन मंत्री सुक्खू की कैबिनेट में शामिल होंगे। मंत्रियों के पोर्टफोलियो के बंटवारे पर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। शिमला लौटते ही उन्होंने कहा है कि आज ही मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया जाएगा विस्तार पर। इससे आपसे चर्चा करेंगे किस मंत्री को कौन विभाग मिलेगा। और आते ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कैबिनेट की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और इस कैबिनेट में 4 बड़े एजेंडे आएंगे। मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर दिए कि इन 4 एजेंडे को लाइए, कैबिनेट की बैठक करनी है, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें कार्मिक विभाग ने आज काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति के आदेश जारी किए, जिसमें मंत्री और CPS कार्यालयों में नियुक्ति की गई, जिसमें मंत्री विक्रमादित्य सिंह के गोपाल दत्त को प्रधान निजी सचिव लगाया गया है, यंकी देवी CPS सुंदर सिंह की सचिव लगाई गई है, जबकि वरिष्ठ निजी सचिव तैनात दोनों अधिकारियों को लेकर इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके अलावा कांगड़ा जिला के 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस प्रशिक्षण ड्रो में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से इनको सम्मानित किया जाएगा, जिनमें SP राजेंद्र चंद्र छाजटा, सहायक निरीक्षक सतपाल, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण चंद, मुख्य आरक्षी कुलतार सिंह को सम्मानित किया जाएगा। बल्क ड्रग पार्क की बात करें तो इसके लिए नई कंपनी बनाने की कवायद शुरू हो गई है और कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके बाद केंद्र से इसके लिए पैसा मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली 300 करोड़ की पहली किस्त भी जारी नहीं हो पाई है। इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकास किया जाएगा, इसके बाद ही बल्क ड्रग का हिमाचल प्रदेश में विधिवत काम शुरू हो पाएगा। सीमेंट विवाद की बात करें तो 12 जनवरी को सीमेंट विवाद पर फैसला होगा। कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर अब माल भाड़ा तय होगा कि कितना किराया ट्रांसपोर्टर को सीमेंट के बदले दिया जाएगा। खर्चा प्रॉफिट होने के बाद इसका आंकलन किया जाएगा। 1 महीने से हिमाचल प्रदेश में चल रहा सीमेंट उद्योग ACC अंबुजा दोनों प्लांट बंद पड़े हैं और इससे 30,000 लोगों की रोजी रोटी का मसला प्रदेश में खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि इन दोनों प्लांट को शुरू किया जाएगा और इस मसले को जल्द सुलझाते हुए प्रदेश में सस्ता सीमेंट दिया जाएगा। हालांकि ट्रांसपोर्टर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द सरकार से मांग को, इस विवाद को सुलझाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी की यात्रा को कांग्रेस ने सफल बनाने के लिए रणनीति बना ली है। 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश के इंदौरा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी और इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज बाकायदा बैठक की और उन्होंने तमाम अधिकारियों को पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, इस पर जन जन को जागरूक करेंगे। और उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछा कि कैबिनेट की फॉर्मेशन के बाद जिस प्रकार से कांगड़ा को इग्नोर किया गया है, इस पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस मसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करेंगे और कांगड़ा की अनदेखी को लेकर मुख्यमंत्री को कहेंगे कि बैलेंस किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 3 मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं और इसमें से कांगड़ा को रिप्रेजेंटेटिव मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अनदेखी कांगड़ा की नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि कांगड़ा की पैरवी को संगठन के रूप से वे जरूर करेंगे, मुख्यमंत्री के पास पैरवी करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, 15 सीटें वहां से विधानसभा की हैं, 10 कांग्रेस को मिली हैं, इसलिए कैबिनेट में हक कांगड़ा का जरूर बनता है। बहरहाल यहां पर सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक बार फिर सेवा विस्तार देने का फैसला लिया है और इसके अनुसार 31 मार्च तक जितने भी हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी तैनात किए गए हैं कोविड काल में, उन्हें 31 मार्च तक सेवा विस्तार उनका कंटिन्यू कर दिया गया है।
कोविड काल के दौरान हिमाचल प्रदेश में 1895 कुल स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए थे। स्वास्थ्य संस्थानों मेडिकल कॉलेजेस में इन स्टाफ को तैनात किया गया था। रेगुलर स्टाफ को ट्रेनिंग देने के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं ताकि कम से कम 31 मार्च से पहले सभी को ट्रेन कर दिया जाए। बहरहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट चुके हैं और शिमला लौटने से पहले 2 दिन दिल्ली में व्यस्त रहे। उनके तमाम मंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके थे क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, गठन किया गया, इस विस्तार के बाद जिस प्रकार से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को लेकर एक निराशा का अभाव उपजा है, स्वाभाविक रूप से जब भी कैबिनेट बनती है इस प्रकार की बातें हर बार उठती हैं। जिस जिला को स्थान नहीं मिलता वहां की इस प्रकार की आवाजें आती हैं। लेकिन इस बार कैबिनेट की फॉर्मेशन के तुरंत बाद जब सुखविंदर सिंह सुक्खू पुणे के लिए रवाना हुए तो पुणे से सीधा दिल्ली आए। अपने तमाम मंत्रियों को उन्होंने दिल्ली बुलाया। विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर तमाम मंत्री दिल्ली का रुख कर चुके थे और दिल्ली में 2 दिन के बाद चर्चा करने के उपरांत आज शिमला लौटे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की तमाम परिस्थितियों से केंद्रीय हाईकमान को अवगत करवा दिया है और उन्होंने अगले कैबिनेट के विस्तार पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा के बाद अब यह तय किया कि बहरहाल 3 में से 2 मंत्रियों के पद भरने बेहद जरूरी है ताकि कम से कम जिस प्रकार का मैंडेट जनता ने कांग्रेस को दिया है उस जनादेश को देखते हुए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को यहाँ पर पूरी तरह से भेदने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर साधने क्षेत्रीय जातीय संतुलन को साधने की भी तैयारी है। इसके चलते ये माना जा रहा है कि मंत्रियों के 3 में से 2 पद भरे जा सकते हैं और इसके लिए कैबिनेट का विस्तार किसी भी समय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर सकती है और इसमें ब्राह्मण चेहरा शामिल हो सकता है। ब्राह्मण चेहरों की बात करें, प्रबल दावेदारी नंबर 1 पर इसमें दावेदारी राजेश धर्मानी की रहेगी। सुखविंदर सुक्खू के बेहद करीब है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से। हालांकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं लेकिन विलासपुर डिस्ट्रिक्ट को अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है, कैबिनेट में स्थान नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा योग्यता राजेश धर्मानी की आंकी जाती है और जिस प्रकार से उनका संगठन का लंबा अनुभव है, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, उनके पास केंद्रीय एक दायित्व को कांग्रेस ने सौंपा था और चार्जशीट भी भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट बनाने का दायित्व राजेश धर्मानी को सौंपा था। इसके चलते कैबिनेट के संभावित विस्तार में जिसमें 2 मंत्रियों पर सहमति बनी है 3 में से राजेश धर्मानी का नंबर आ सकता है। 1 मंत्री उसमें अगर ब्राह्मण उसमें चेहरा शामिल होता तो 3 बड़े नाम कांगड़ा जिला से सुधीर शर्मा, रघुवीर सिंह बाली और 3रा बड़ा नाम संजय रतन का है। हालांकि रघुवीर सिंह बाली को चेयरमैन बनाए जाने की सहमति की सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार की चर्चा हुई है कि उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है। अगर उन्हें चेयरमैन बनाया जाता तो 2 यहां पर प्रबल दावेदार 2 विधायक मंत्री पद के होंगे। ज्वालामुखी से जीत कर आए संजय रतन, 2रा बड़ा चेहरा ब्राह्मण का होगा सुधीर शर्मा जो कि पिछली वीरभद्र सिंह सरकार में ताकतवर मंत्री थे, शहरी विकास का उनके पास दायित्व था लेकिन सरकार में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। उसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां हो या फिर उपचुनाव में पार्टी का टिकट ना लेकर खुद को किनारा करना। लेकिन कैबिनेट के गठन में मंत्री पद पाने में जरूर सुधीर शर्मा यहां पर पिछड़े हैं लेकिन जब भी अगला विस्तार होगा सुधीर शर्मा का नाम फिर प्रमुखता से आएगा। लेकिन ब्राह्मणों के साथ एससी समाज का एक अनुसूचित जाति वर्ग का यहां पर एक कैबिनेट रैंक का मंत्री देना पड़ेगा। धनीराम शांडिल जरूर आ चुके हैं, जिस प्रकार से खड़गे ने निर्देश दिए थे एक और व्यक्ति को लाइए और इसमें इस फेरिस्त में सबसे बड़ा नाम इसमें कांगड़ा जिला से यादविंदर गोमा का चल रहा है क्योंकि कांग्रेस का फार्मूला एक अगला ये भी है कि विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट में स्थान पा चुके हैं और उनकी माता प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। अब उनकी जगह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाए और नया अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रतिभा सिंह से अब अगर नए अध्यक्ष की तरफ आगे बढ़ती है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय हाईकमान की चर्चा के अनुसार एक अनुसूचित जाति कैटेगरी से समुदाय से ऐसा चेहरा सामने लाया जा सकता है क्योंकि इस कैबिनेट में 6 राजपूत मंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, 1 परिवार से अध्यक्ष है, 1 से मंत्री है। इसके चलते पार्टी का अध्यक्ष पद
कांगड़ा को सौंपा जा सकता है। यादविंदर गोमा समेत कई ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो इसके नाम के लिए चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए केंद्रीय सहमति के बाद, केंद्रीय हाईकमान से हुई चर्चा के बाद एक मंत्री पद कांगड़ा को मिल सकता है, पार्टी का अध्यक्ष कांगड़ा से बनाया जा सकता है, मंत्री पद ब्राह्मण को दिया जा सकता है और एससी कैटेगरी से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। पेंच राजिंदर राणा और धर्मानी को लेकर फंसेगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हम ये अपने दो दिन पहले के लाइव स्ट्रीम में बता चुके हैं, इसका हम जिक्र कर चुके हैं कि केंद्रीय हाईकमान से 9 मंत्रियों की शपथ की लिस्ट अप्रूव हुई थी और इनमें से 7 मंत्री शपथ ले चुके हैं। 2 मंत्री राजेश धर्मानी और दूसरे मंत्री राजिंदर राणा थे। राजिंदर राणा का नाम केंद्रीय हाईकमान ने इंक्लूड कराया था लिस्ट में और इसी आधार पर 7 लोगों की सूची को अप्रूव किया था। लेकिन बाद में जब चर्चा हुई कि राजपूत चेहरे काफी ज्यादा हो जाएंगे, दूसरा उसमें दलील दी गई कि जिस प्रकार से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं और तीसरा मंत्री वहां से बना दिया जाए और हमीरपुर से मुख्यमंत्री के साथ मंत्री बनाया जाए, पहली बात राजपूतों का कोटा बढ़ जाएगा, दूसरा जिस प्रकार से इंद्रदत्त लखनपाल लगातार जीत की हैट्रिक जमा चुके हैं, तीसरी बार जीत चुके हैं, उनके मन में भी ये भाव आएगा कि मेरी भी सीनियोरिटी के आधार पर मंत्री पद में स्थान बनता तो मुझे क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। बहरहाल इस बात अपवाद में धर्मानी का पत्ता भी कट गया, राजेंद्र राणा का नाम भी रुक गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि धर्मानी जरूर मंत्री बनेंगे, लेकिन अगर धर्मानी मंत्री बनेंगे तो क्या राजेंद्र राणा का नाम आ पाएगा, क्योंकि मंत्री फिलहाल 3 में से 2 बनेंगे और ये मामला लोकसभा चुनावों तक लटक सकता है तीसरे मंत्री का, यानी कि तीसरे मंत्री की शपथ लोकसभा चुनावों के बाद हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कैबिनेट में सिर्फ 11 मंत्रियों को रखें, 1 सीट लास्ट तक खाली रखें। इस प्रकार की दिल्ली में चर्चा हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री के पास इस समय सबसे बड़ा, वापसी के बाद 2 बड़े उन्होंने फैसले लिए हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट जल्द बुलाई जाएगी, इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले उन्होंने मंत्रियों के विभागों के पोर्टफोलियो को लेकर, बंटवारे को लेकर निर्देश जारी कर दिए और माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। हमने पिछले लाइव स्ट्रीम में कहा था हरेक मंत्री को 2 से 3 विभाग मिलेंगे, मिनिमम 2 और 3 से भी ज्यादा विभाग मिल सकते हैं, एक बड़ा डिपार्टमेंट हर मंत्री को दिया जाएगा, इसके अलावा 1 से 2 डिपार्टमेंट स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट दिए जाएंगे और ये चर्चा अपने सोशल मीडिया पर भी देगी। हालांकि सोशल मीडिया पर जो सूची घूम रही थी उसकी सत्यता इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी तक पोर्टफोलियो को लेकर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने एक्सरसाइज जरूर कर ली है, मुख्यमंत्री ने अपना चार्ट तैयार कर लिया है, अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। इस आधार पर हम ये बात आपके समक्ष रखेंगे कि किसी भी समय आने वाले, किसी भी समय आने वाले 1-2 घंटों में GAD से इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा। और जो चर्चा हुई है, जो उनकी मुख्यमंत्री की आपसी मंत्रियों के साथ बात हुई है, जो अपना मन बनाया है, क्योंकि पोर्टफोलियो को लेकर मुख्यमंत्री की हाईकमान से कोई चर्चा नहीं हुई है, इस तरह की भी हालांकि बातें आ रही थी, क्योंकि पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार बनता है और उस विशेषाधिकार के अनुसार चर्चाएं ये भी हैं कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री को कोई एक आध और पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, कर्नल धनीराम शांडिल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के साथ सैनिक कल्याण विभाग दिया जा सकता है, चंद्र कुमार को एजुकेशन या फॉरेस्ट दिया जा सकता है, इसके साथ उनको 2 डिपार्टमेंट और मिलेंगे, हर्षवर्धन चौहान को हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ आयुष मंत्रालय का दायित्व दिया जा सकता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी उनको दिए जाने की चर्चा है, एक्साइज की भी उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी सूची थोड़ी देर के बाद आएगी, क्योंकि जगत सिंह नेगी चूंकि किन्नौर जिला से आते हैं, उनको एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ ट्राइबल अफेयर्स दिए जाने की चर्चा चल रही है, जबकि रोहित ठाकुर का शुरुआती दौर से PWD को लेकर नाम उनका चल रहा है, रेवेन्यू उनको दिया जा सकता है, इसके साथ दूसरे छोटे डिपार्टमेंट मिल सकते हैं, अनिरुद्ध सिंह राणा रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ये डिपार्टमेंट उनको दिए जा सकते हैं। हालांकि संभावित पोर्टफोलियो हमने पिछले कल भी कहा था विक्रमादित्य सिंह को, आज पर्यटन की बातें चल रही थी लेकिन युवा सेवाएं एवं खेल उनको दिया जाना लगभग ये तय है, इंडस्ट्री के लिए भी उनका नाम चल रहा था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद इसका पोर्टफोलियो को लेकर मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से संकेत दिए हैं इसके भी अधिकारियों को सूची दे सकते हैं, फिर ये मुख्य सचिव को दी जाएगी, GAD के माध्यम से इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी।
क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ये कह चुके थे कि शिमला वापस लौटते ही सबसे पहले विभागों का बंटवारा किया जाएगा। बहरहाल इस समय हम जिन आपके पास पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, इसके अलावा भी यहाँ पर कई पोर्टफोलियो मौजूद हैं जो कि इन मंत्रियों को देने पड़ेंगे, जिसमें शहरी विकास विभाग है, TCP है, आवास है, खाद्य एवं पूर्ति है, टेक्निकल एजुकेशन है, पशुपालन विभाग है, मत्स्य है, ऊर्जा है, IT है, टूरिज्म है, पर्यावरण, योजना, सहकारिता, अबकारी एवं कराधान, कानून एवं संसदीय मामले, उद्योग एवं श्रम रोजगार, कई भारी भरकम डिपार्टमेंट हैं मंत्रियों को दिए जाने, क्योंकि मंत्रियों को डिपार्टमेंट दिए जाने के बाद ही सही मायने में यहाँ पर सरकार का कामकाज शुरू होगा। लेकिन इसी बीच फिर हम वापस खबर पर लौटेंगे, जो 3 मंत्री पद खाली हैं उसमें कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, लाहौल, तीनों जिलों को अभी तक स्थान नहीं मिल पाया है। कांगड़ा से सुधीर शर्मा, रघुवीर सिंह बाली, यादविंदर गोमा और चौथा बड़ा नाम संजय रतन का, हमीरपुर से जिंदर राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, मंडी से चंद्र शेखर एकमात्र जीत कर आए, बिलासपुर से राजेश धरवानी, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, ये तमाम है जो कि शेष बचे हुए 3 मंत्री पदों के लिए स्थान पाने के लिए जिनकी निगाहें टिकी हुई है। बहरहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि कैबिनेट की तारीख तय होगी, और उन्होंने कहा है कि 4 बड़े एजेंडे आप तैयार कीजिए, ये एजेंडे मेरे टेबल पर लाइए, फिर कैबिनेट की तारीख तय कर दी जाएगी। और माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक अगले 2-3 दिनों में होगी, क्योंकि जिन 3 से 4 प्रमुख एजेंडों के निर्देश दिए गए हैं इसी आधार पर कैबिनेट की तारीख तय होगी। पहले तय किया गया था कि 15 के बाद कैबिनेट होगी, लेकिन अब 13 जनवरी से पहले, लोहड़ी से पहले हिमाचल प्रदेश के हजारों लाखों लोगों को बड़ी सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बुलाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। और इस आधार पर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने OPS का ड्राफ्ट मांगा, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में जिस प्रकार से OPS बहाली को लेकर चर्चा होगी उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दूसरा बड़ा एजेंडा उन्होंने दिया कि महिलाओं को 1500 रुपए देने का फार्मूला मुझे दीजिए, जिस प्रकार से मैंने डायरेक्शन दी थी मुझे बताइए अधिकारी क्या फार्मूला बनाकर लाया है। तीसरा, सरकारी व निजी क्षेत्र में 1,00,000 नौकरियों को लेकर इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट मांगी गई है। इन 3 प्रस्तावों को कैबिनेट में मोहर लगेगी, क्योंकि कांग्रेस के चुनावों के दौरान ये 3 बड़े चुनावी वायदे थे जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के मुख्यमंत्री कई बार बात कह चुके हैं, और कैबिनेट में अब इन 3 को मोहर लगेगी। चौथा बड़ा फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सस्ते सीमेंट का लेने वाले हैं। अब देखना होगा इसी कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में ये फैसला करते हैं या दूसरी कैबिनेट में ये फैसला होता है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिस प्रकार से सोच है वह हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों के लिए, जिनके पास अभी घर नहीं है, पहला घर जिसने बनाना है उसके लिए सरकारी दरों पर घर बनाने के लिए राज्य सरकार सीमेंट उपलब्ध करवाएगी, फाउंडेशन से लेकर घर के कंस्ट्रक्शन से लेकर प्लास्टर से लेकर घर की पूरी फिनिशिंग तक पूरे का पूरा सीमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार सरकारी दरों पर उपलब्ध कराएगी। लेकिन इसके लिए एक कड़ी शर्त होगी, जिसके पास अपना घर नहीं होगा, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम अपनी जमीन नहीं होगी उसके पास अपना घर नहीं होगा, वह व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में मास्टर की नौकरी पाने पर शिमला के देवनगर ब्रांच का ये मामला है, मैट्रिक सर्टिफिकेट की जांच में ये खुलासा हुआ, और इस आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, भर्ती प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड भी यहाँ पर तलब कर लिया। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। ये बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि पूरा प्रदेश इस समय बारिश बर्फबारी के लिए तरस रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, चंबा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति व किन्नौर, इन तमाम जिलों में, इसके अलावा कांगड़ा व सिरमौर में उच्च क्षेत्रों में हिमपात होगा, भारी बारिश बर्फबारी से लैंडस्लाइड का खतरा होगा, ये भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है। मैदानी इलाकों में गर्जन के साथ झमाझम बारिश का पूर्वानुमान है, और 12 जनवरी को हैवी टू हैवी स्नोफॉल होगा, ये पूरे प्रदेश के लोगों के लिए काफी बड़ी खबर है। 12 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में हैवी स्नोफॉल होगा।